daha gel. संजू, पापा तो कुछ बोलने की हालत में है नहीं। तू मुझे बता कि क्या हुआ था उस वक्त। मैं और पापा अच्छा तो मुझे उस लड़की से मिलना है। तू उस लड़की का एड्रेस मुझे दे, बाकी सब मैं देखता हूँ। सीबीआई वालों के पास बहुत से तरीके होते हैं सच निकलवाने के। देखता हूँ कैसे बचती है। ये उस लड़की का एड्रेस। ठीक है तो फिर चलते हैं शादी के लिए लड़की देखने। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। ठीक है लेकिन इस बार दूल्हा मैं बनूंगा। तुम अकेले जाना था, मैं मिल जाता हूँ। एक ग्लास पानी है।
नाइस सॉन्ग। वैसे आप क्या करती हैं? मेरा पार्लर है, बस वही चलाती हूँ। तो अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की? कोई पसंद नहीं आया क्या? मैं पसंद करूं भी तो कोई मेरा नहीं होता। 3 साल बाद आया था कोई पसंद, बस उसका ही इंतजार कर रही हूँ। पर शायद अब बहुत देर हो चुकी है। लगता है कुछ अर्जेंट काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। एनीवे यू टेक केयर। कुछ पता चला लड़की के बारे में? हाँ, मुझे लड़की बिल्कुल भी गलत नहीं लगी। मैंने उसे अच्छे से समझाया और वो तुम्हारे बारे में अच्छी थी। पर मैंने अभी यहाँ जो देखा उसके बारे में यकीन नहीं हो रहा। ऐसा क्या देख लिया था? लास्ट टाइम जिस लड़के से मैंने एड्रेस पूछा था। अच्छा, उसके पीछे जाओ और मैं जाके तुम्हारे पिताजी से मिलता हूँ। ठीक है, मैं इस पर फॉलो करता हूँ। मुझे उसी बारे में कुछ बात करनी है। ठीक है, हाँ मैं मिलता हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते, बैठ। मैं वाले चार। अरे नहीं नहीं, आप प्लीज़ आराम कीजिए। प्लीज़ आप लेटिए। और बताएं कैसी आपकी तबीयत अभी? पहले से कम है। हाँ सर, पर काफ़ी चोट लग गई थी ना। हाँ अंकल, खैर मैं जिस काम के लिए आया था वो भी कर लेता हूँ। अगर आप मुझे बताएंगे कि उस रात सही में हुआ क्या था? मेरे कहने का मतलब है कि आपने ऐसी क्या खास चीज़ देखी उस रात? क्या देखा बेटा? मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे बस इतना पता है किसी ने मेरा गला दबाया और पीछे से किसी भारी चीज से मेरे सर पर जोर से वार किया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन कुछ तो ऐसी चीज आपने देखी होगी ना जिसे देखने के बाद आपको लगता हो कि ये बहुत अजीबोगरीब था। उस रात में कुछ तो ऐसा घटा होगा, कुछ तो अजीब आपके सामने हुआ होगा। आपको लगता है कोई ऐसी बात की जिसे बताने से मुझे केस में हेल्प मिल सकती है? तो कुछ याद नहीं। खैर ठीक है अंकल, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बाकी मैं तो आता ही रहूँगा आपके हाल चाल पूछने। अच्छा अंकल, नमस्ते। नमस्ते।